भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के धमाकेदार 7 बजे के सेशन में स्वागत है। ठीक है, देखिए ये सेशन किस लिए है? ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपको पता ही है मैं आपको यहाँ पे 4000 क्वेश्चन की जो सीरीज करा रहा हूँ, बहुत बेनिफिशियल सीरीज है ना। एक बड़ी कमेंट बॉक्स में लिखे आवाज आ रही है आप सभी को, ऑडिबल हूँ, सभी को शेयर करो सारे के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ना मतलब हैबिट है इस क्लास की, आपको बेनिफिट उठाना है इस क्लास से, जल्दी से शेयर करिएगा सारे के साथ, है ना। फिर स्टार्ट करेंगे बेटा, 25 आउट ऑफ 25 किसी भी एग्जाम में जीके में स्कोर करना चाहते हो या फिर इतना अटेम्प्ट भी करना चाहते हो तो इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, और डेली बेसिस पे देखिए, और साथ के साथ SSC ग्रुप की क्लास 5:30 बजे होती है। आज का टॉपिक भी मैं बता देता हूँ, 8:15 का जो आज का टॉपिक है वो आपको पता ही है, जो रिवर एंड सिटीज का क्वेश्चन आएगा आज का। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर जैसे आप मान लो थ्योरी भी करना चाहते हो, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे अच्छा, तो वो ये इंडियन पॉलिटी का अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटी, आपको थ्योरी मिल जाएगी पूरी, है ना। साथ के साथ अन अकेडमी कॉम्बैक का हिस्सा बनी, स्कॉलरशिप लीजिए। कॉम्बैक कैसे करना रजिस्टर? संडे को 12 बजे लाइव अमन रेफर कोड यूज करके ऐप पे रजिस्टर करेगा, एफर्ट मारिएगा थोड़े से, हो सके तो सिलेक्शन लीजिएगा इसमें। ठीक है, अच्छा स्कोर करिएगा। ठीक है, अन अकेडमी आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री प्रोवाइड करा रहा है ऐप पे ही, बस इतना याद रखिएगा। आपके लिए और ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव कंटेंट है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक जगह लिंक अवेलेबल है। लेकिन बी जेन्युइन, क्योंकि हम 100% परफेक्ट जो फैक्ट है वही देते हैं। ठीक है, देखिए जो आपके नए कोर्सेज हैं उसका भी बेनिफिट उठाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो नए कोर्सेज का बेनिफिट क्यों उठाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई 23 तारीख है, अभी जो फीस चल रही है 260 पर मंथ चल रही है सभी सब्जेक्ट की, सारे फाउंडेशन बैच की, और अन अकेडमी का प्राइस राइज हाइक होने वाला बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, प्राइस राइज होने वाले हैं, इसके लिए कह रहा हूँ आपको, आप SSC गोल में अभी जुड़िएगा, कैशन क्लिक करिएगा, मंथ सेलेक्ट करिएगा और रेफर कोड यूज करिएगा लाइव ओमन। ठीक है, इससे आपको सब कुछ अवेलेबल। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज का फायदे की बात यह है कि आज मैं आपको करंट अफेयर स्टार्ट करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इस सीरीज में करंट अफेयर स्टार्ट करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मिक्स कर दूंगा करंट अफेयर, करंट अफेयर मैं लास्ट में रख रहा हूं कि आप कंटिन्यूटी भी बनाओ, और लास्ट में आपको जो डेली बेसिस के मोस्ट अपडेटेड करंट अफेयर है ना वो मिलेंगे। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे यहां पर 120 के आसपास जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना उसमें करंट अफेयर भी अब होगा। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर और सब कुछ फायदेमंद रहेगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन। हाउस फ्लाई जो होती है, ठीक है, मक्खी जो होती है, ठीक है, उसका लार्वा जो है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पहले ही है ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। लार्वा को क्या कहते हैं? आंसर के इस क्वेश्चन उसे हम कहते हैं मैगूट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मैगूट कहा जाता है। जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई जो होती है, उसके लार्वा को क्या कहता है? मैगूट कहा जाता है। मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, पहले ही क्वेश्चन मुश्किल। नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता? ठीक है, जैसे कल आज 24 जून है, आज क्या ऑब्जर्व किया जाता है? कल का भी मैंने आपको बता दिया था ना, कल का भी मैंने आपको बताया था, बताइए। चलो इसका बताओ, नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, ये बताओ पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, ये स्पोर्ट्स डे और व्हाटसो एवर सब कुछ कराऊंगा मैं आपको इसी सीरीज में 7 बजे, आपको पता ही है। ठीक है, अगर एक बार आए हो तो आपको बेनिफिट 100% होगा। शेयर करना सेशन को। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप सभी से कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। हाँ जी, शेख निजामुद्दीन अहलिया किसके शिष्य थे? डिस्पर, डिस्पर वास शेख निजामुद्दीन अहलिया। ठीक है, आप जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि देखो यहां पे एक नाम लिखा हो बहुत फेमस, बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद बहुत फेमस नाम है, क्या शेख निजामुद्दीन अहलिया बाबा फरीद के डिस्पल थे? डिस्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो कोई शिष्य होता है ना उसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जो भक्ति करता है। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध के 5 डिस्पल थे जब उन्होंने सारनाथ में अपना वचन सुनाया था, प्रवचन सुनाया था। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा? आंसर इस क्वेश्चन का बाबा फरीद। ठीक है, ये मैंने इसलिए बाबा फरीद पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि क्लियर कट पता होता है बच्चों की कि हाँ यार शेख निजामुद्दीन अहलिया पे क्वेश्चन आया तो बाबा जो है फरीद इसका आंसर होगा 100%। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मनामा कहाँ? देखो आज का नया क्वेश्चन एक और, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करा रहा जो रिपीट हो रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ कि रिपीटेशन मुझे ना करानी पड़े, आप खुद रिवाइज कर लो। मैं आपको 4000 क्वेश्चन सारे अलग अलग कर, मनामा जो है कैपिटल
कैपिटल है कौन से देश की, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शेयर करना भाई सारे के सारे, है ना आंसर क्या उसको मनावा। जॉर्डन लिखा हुआ, इक्वाडोर लिखा हुआ, अजरबैजान लिखा है, बहरीन लिखा हुआ, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, नया नाम है मनामा। ठीक बेटा, मनामा जो है बहरीन की कैपिटल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहरीन इंपोर्टेंट है इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहरीन इंपोर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, भूलिएगा मत, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, बताइए किताब है भाई द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड। जल्दी से बताइए इस किताब के ऑथर कौन है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस किताब के ऑथर क्या, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे के सारे। पार्टिसिपेट करो भाई, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना उतना बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से मैं आपको बेस्ट जो कंटेंट है वही प्रोवाइड कराता हूँ, 7 बजे और 5:30 बजे, दो क्लास की। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सुब्रमण्यम जयशंकर इसका आंसर है। ठीक है, फेमस व्यक्ति है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो भाई ये अनसर्टेन वर्ल्ड, और ये सुब्रमण्यम जयशंकर जो है ना, एस जयशंकर, ठीक, क्या है इस समय कोई बताएगा, ये मतलब किस अथॉरिटी भी है, क्या है, कोई मिनिस्ट्री है इनके हाथ में, बताइए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भाई मिनिस्टर है हमारे देश के, पहले ये इंडियन जो है फॉरेन सर्विसेज के सबसे बड़े ओहदे पर थे। ठीक है, आंसर क्या है, क्या है इस समय कौन से मिनिस्टर है, बताओ, खुद बताओ, ये तो बताने वाली बात है। एस जयशंकर तो आपको पता ही होगा। ठीक, कौन है एस जयशंकर, खुद ही बताओगे अब आप ये। ठीक है, ये चीज आप खुद बताओगे, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के ये जो है हेड है, चलिए बताइए, खुद ही बताइएगा आपने कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए बताइए, तिरताली फोक डांस है कौन सी स्टेट का। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आईटी मिनिस्ट्री बता रहे हैं। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, MEIMEA। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तिरताली फोक डांस जो है, ठीक है, कौन सी स्टेट, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेटा, मिनिस्ट्री जिसके हाथ में, जो उनसे अगर बड़े मिनिस्टर है ना, नाम याद कर देना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस पे भी। ठीक है, दिमाग पे रखना, मध्य प्रदेश का आंसर होगा, अगर मध्य प्रदेश पूछता है तो आंसर यही होगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज इंपोर्टेंट है, तेलंगाना के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मतलब तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना लास्ट ईयर 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया था। क्या घोषित किया था, ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया था लास्ट ईयर। इस वजह से इस साल तेलंगाना ने नेस्कॉम के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है। सवाल आ सकता है, नेस्कॉम ने किस देश स्टेट के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, तो तेलंगाना के साथ साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, डोंट बोलर की इधर ए लिखा है, इधर भी डी पे भी ए, मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मध्य प्रदेश है, बस इतना याद होना चाहिए। एसएससी गुरु 5:30 वीडियो डाल दिए, लाइव क्लास होती है वैसे तो, अगर आपको फिर भी मौका नहीं लगा है तो अभी आप समय निकाल के 5:30 बजे का वीडियो जरूर देखिएगा, जरूरी है। ठीक है, जलोटी एक ऑफिशियल करेंसी है, लीगल टेंडर है किस कंट्री के, बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन, जलोटी जो है किस देश की या ऑफिशियल करेंसी है। खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे जलोटी किस देश की करेंसी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, हमें ये सब चीजें, अगर हम ये सब चीज, जैसे हम पोलैंड की कैपिटल के ऊपर, पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, सवाल आता है कि यूरोपियन यूनियन का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन सा है, तो पोलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोलैंड ही इसका आंसर है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको पोलैंड पे क्वेश्चन आ सकता है। पोलैंड की कैपिटल का नाम बताइए, पोलैंड की कैपिटल का नाम बताइए, क्योंकि करेंसी तो इधर हो गया है ज्लोटी। ठीक है, कैपिटल का नाम बताइए, पोलैंड की कैपिटल का नाम क्या है, खुद ही बताइए। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी है, लीगल टेंडर है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक, कैपिटल का नाम खुद बताइएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैक्ट साइन हुए हैं, इसलिए वॉर्सो, बिल्कुल। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल का नाम क्या है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल का नाम क्या बेटा, सवाल आ सकता है। ठीक है, वॉर्सो बहुत बड़ा जो है फेमस नाम है ये वॉर्सो। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट, पैक्ट साइन हुए इधर बहुत सारे, इसलिए। और यूरोप का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री पोलैंड है, और इस पे एक सवाल और आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साइज के बराबर पोलैंड का साइज, मतलब एरिया वाइज अगर मैं कहूं तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साइज के बराबर पोलैंड का साइज है, तो आंसर क्या होगा बेटा, याद रखना, मध्य प्रदेश। जितना साइज मध्य प्रदेश का है ना,
उतना ही साइज पोलैंड का है। हम रिलेट कर रहे हैं चीजों को, हम रिलेट कर रहे हैं चीजें, जितना साइज हमारे देश में मध्य प्रदेश का है उतना ही जो है 22 एरिया साइज है पोलैंड का। बोलना मत, गलत होती है ऐसी चीजें नहीं तो, ठीक है। फोंगपोई पीक जो है, मुश्किल नाम बताइए, फोंगपोई पीक जो है ये कौन से देश में, कौन सी स्टेट में, बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। फोंगपोई पीक जो है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर में, है ना। शेयर करो सारे के सारे, शेयर करो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वर्थ वॉचिंग है। 7 बजे और 5:30 बजे जुड़ना और 8:15 का एक 30 मिनट का टॉपिक देखना, वर्थ वॉचिंग है ये तीन चीजें, ठीक है। आंसर है मिजोरम, नाम से वैसे पता चल रहा है कि भाई राजस्थान और कर्नाटका में तो नहीं होगा, ठीक है। फोंगपोई जो है ये राजस्थान और कर्नाटका में तो नहीं होगा, होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अब त्रिपुरा है या मिजोरम है ये देखने वाली बात, ठीक ठीक है बेटा। आना चाहिए 5:30 बजे आना चाहिए, गवाओगे बहुत कुछ, ठीक है। तो 5:30 बजे नहीं कनेक्ट कर रहे, ठीक है। आपको एक कह रहा हूँ, नई सीरीज स्टार्ट हुई तो फायदा उठाओ इसको। व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, देखो ये आइलैंड भी है व्हाइट क्लिफ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट में, इंडिया का है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है व्हाइट क्लिफ कहीं और का ही है, ठीक है, रॉबर्ट क्लिफ वाला सोच के, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे रॉबर्ट क्लिफ होगा, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बेटा, अंडमान निकोबार में। वैसे तो बिल्कुल यूनिक लगता है ना, वो भारत के मेनलैंड में तो नहीं होगा, वो बेसिकली अंडमान निकोबार में होता है, ठीक है। बेसिकली जो है अंडमान निकोबार में होता है, ठीक है, बेसिकली अंडमान निकोबार में होता, ठीक है। एनर्जी बढ़ाओ भाई अपनी, बहुत सवाल हैं आज ऐसे, मतलब मेरी तरफ से तो हमेशा 120 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं है, बस आप पेपर में या फिर इधर पढ़ रहे हो, ठीक है। और डेली नए क्वेश्चन याद रखना, आज 20 क्वेश्चन मैं आखिर में करंट अफेयर के कराऊंगा, और जो मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा ना करंट अफेयर के, वो पेपर में 100% आएंगे, 100% आखिर में। इसलिए रखें कि आप कंटिन्यूटी भी बनाओ और आपको फायदा भी होगा आखिर में। सिविल सर्विसेज इन इंडिया, देखिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है बेटा, याद रखना कॉर्नवालिस को कहा जाता है, किसे, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखो कॉर्नवालिस ने बहुत सारी चीजें करी है, इन्होंने परमानेंट, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो है, परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट लाया ए बंगाल में, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट लाई, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट जो आज के समय भी है ये पोस्ट इन्हीं के द्वारा लाई गई, ठीक है। इन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान को हराया, मैसूर वॉर इनके समय में हुई, टीपू सुल्तान को इन्होंने हराया, ठीक है, चौथा, ठीक है। इनको जो है मैसेकर, ठीक है, मैसेकर की उपाधि दी गई, अब ये अलग है, ठीक, क्या उपाधि किस वजह से ये सब चीजें देखेंगे बाद में, लेकिन बताइए। गदर पार्टी यूएसए सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई किसके द्वारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए गदर पार्टी यूएसए ऑफ सैन फ्रांसिस्को में बनाएगी, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाएगी, ये आसान है, ठीक है, याद रखना। पहला है आंसर लाला हरदयाल, प्रेसिडेंट थे, और लाला हरदयाल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि लाला हरदयाल के अलावा सोन सिंह बखाना जो है, ठीक है, ये भी जो है इसी पार्टी को बनाने में हिस्सेदार थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैं आपको ये सब चीजें पूछ रहा हूं ना, आपको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना खुद पीडीएफ, मैं नहीं कहता कि मैं आपको रिवाइज कराऊं, मैं नहीं कराने वाला। मेरा अभी टारगेट है 4000 क्वेश्चन नए के नए कराना हर दिन, इसलिए लेवल पे क्लास हो रही है, सैटरडे संडे भी क्लास उठाऊंगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोनाको इसका आंसर है, ये मोनाको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है, क्या होने वाली है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे होगी बेटा, याद रखना अमेरिका में होगी, यूएसए में, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे होगी, क्वेश्चन आने वाला है, इस पे भी आ सकता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे होने वाली है, ठीक है, फॉर फ्यूचर में अमेरिका में होने वाली, यूएसए में, इवन फीफा का भी पूछा है तो वो नॉर्थ अमेरिका में होने वाला। और देख 12 अपोस्टल्स, ठीक है, वेयर आर दिस, ठीक है, बताइए ये एक जो है ना, ठीक है, एक लोकेशन है कौन से देश में। जैसे अगर मैं बोलूँ ना इंडिया में भी बहुत सारी लोकेशन है जो वर्ल्ड फेमस, ठीक है, वैसे ही
और ये 12 अपोस्टल्स जो एक लोकेशन है ये कहां पे है, जल्दी से बताइए कहां पे लोकेटेड, कमेंट करिए। मुश्किल है ठीक है, मुश्किल है, सब गलत हो रहा है, मैटर ही नहीं करता भाई, 7 बजे वाली क्लास में ये मैटर ही नहीं करता आपका गलत हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि आप सब कुछ नया सीख रहे हो तो गलत होगा ऑटोमेटिकली, है ना, कल दोबारा गलत होगा, परसों दोबारा गलत होगा, लेकिन किसी और पेपर में जाओगे ना तब गलत नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या, इतना नया नाम सुन रहे हो आप जो कहीं पे भी नहीं सुन सकते, ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पर जमीन के अंदर गांव के गांव बसे हुए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 12 अपोस्टलेसिस इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम बताइए, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम बताइए, मेरे हिसाब से सारे के सारे सही बताएंगे, ठीक है, सी से नाम है, बताइए आंसर क्या है, ठीक, खुद बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम क्या हो, ठीक बेटा, ऑडिबल है, जितना आवाज आना चाहिए उतना काफी है, इतना ही काफी होगा आवाज, ठीक है, ज्यादा आपके कानों पे भी नहीं पहुंचनी चाहिए, वो आपका आपको ही जो है प्रॉब्लम करेगा बाद में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड इन द हाईएस्ट अल्टीट्यूड, इनमें से कौन सा टाउन जो सबसे ऊंचाई पे, शेयर करो यार जल्दी से बताओ कौन सा टाउन है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो बेटा आंसर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा जो है, हाँ बिल्कुल, कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, कैनबेरा है, करेंसी क्या है, हमारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो बेसिक है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चे सिडनी आंसर लगा देते हैं, कुछ बच्चे ना कैपिटल में आंसर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी लगा देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। चलो बताओ इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट लोकेशन पे है, बड़ा आसान क्वेश्चन बताइए। अब यार मेरे हिसाब से ये लासा जो है बहुत ऊंचाई पे है, लासा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है, लासा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, आंसर इस क्वेश्चन का है ये, ठीक है। काठमांडू कहां पे बेटा, नेपाल में है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है, नेपाल में काठमांडू। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, सारनाथ जो है लॉर्ड बुद्धा से कैसे एसोसिएटेड, वी ऑल नो कैसे एसोसिएटेड, बताइए सारनाथ का क्या लेना देना है लॉर्ड बुद्धा से, कमेंट करिएगा आंसर क्या। आज आपके आखिर में 20 सवाल करंट अफेयर के होंगे और वो करंट अफेयर के सवाल अब डेली होंगे, अगर आपने वो करंट अफेयर पढ़ लिया ना, पेपर में करंट अफेयर नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं, पेपर में करंट अफेयर नहीं छूटेगा, आखिर में 20 सवाल करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाना अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला सरमन दिया था वो कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में दिया था। इसमें इनकी जो, जब इन्होंने ये सरमन दिया था इनकी किस तरीके की, ठीक है, पोस्चर था, तो धर्म चक्र परिवर्तन था, धर्म, ठीक है, चक्र, ठीक है, परिवर्तन जो था, ये स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग इग्नोर मारेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये सरमन जो है ये प्रवचन 5 डिस्पल्स को दिए थे, ठीक है, दिमाग रहे, 5 डिस्पल्स को दिए थे, 5 जो है इनके शिष्य थे उनको दिए थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देंगे बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज सेट फोर्थ इन द फ्रेमवर्क, मैंने आपको अभी 5:30 बजे SSC गुरु चैनल पे पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि यार प्रियम्बल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हो ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। प्रियम्बल में पहला लिखा है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा लिखा हुआ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तीसरा लिखा है संप्रभुत होना सोवरेनिटी राष्ट्र संप्रभुता, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ प्रियम्बल में, तो मैं आंसर क्या लगाऊ इसका, खुद बताइए बेटा। PDF मिलेगी कमेंट बॉक्स पे, तसल्ली रखिए, PDF मतलब एक रेगुलर क्लास है ये, 7 बजे डेली हो रही है आपके लिए, हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अभी आप, तो PDF की टेंशन ना लो, आंसर बताओ पहले, अभी तो बहुत क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर। एक और क्वेश्चन वैशन घास की आई एसपी कौन सी, आसान क्वेश्चन आना है मुझे। एक और क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन तो छोड़ेंगे, स्किप मारो, ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, जैसे गुरु शिखर जो है कहां की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, अरावली रेंज की, अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए, अरावली सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं इंडिया की, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है, तो बेटा याद रखना गुरु शिखर है, क्वेश्चन आ सकता है अलवर में है, ठीक है, अलवर में है, राजस्थान में। हाँ जी बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये क्लास फुल फ्लेज आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है, एक भी समय बर्बाद नहीं होता आपका, एक मिनट का भी, आप इतने सारे क्वेश्चन कर पाते हो एक घंटे में, 120 प्लस क्वेश्चन, उसका मतलब यही है कि आपको बेनिफिट है इस क्लास का,
कंटिन्यूटी चाहिए बस, लेकिन ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है कौन से शहर में लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, आंसर बताइए, शेयर करिएगा सारे के सारे जल्दी से। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, तो शिमला में एडवांस स्टडी करने के लिए जाते हैं, सिंपल सी बात है ठीक है। शिमला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसमें ठीक है, दिमाग रखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। भोपाल जो है, जैसे भोपाल कितना साफ सुथरा शहर है माना जाता है, सब स्वच्छ सर्वेक्षण में भी आपको पता चला होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 7 बजे पढ़ोगे तो फायदा है ठीक है, सिंपल सी बात। नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट वन, एरिना एक मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड है कहां पे, मतलब नया बना है एरिना, जो मल्टीपर्पज स्टेडियम जो होते हैं ना वो फेमस होते हैं, और ये बहुत ज्यादा फेमस है एरिना ठीक है, याद रखिएगा, और मैं बताऊंगा किस लिए फेमस, पहले आप आंसर बताओ एरिना है कहां पे, खुद बताओ एरिना है कहां पे, जल्दी से बताइए। चलो बेटा एरिना है कहां पे, चलो पहले ये जान लो अहमदाबाद। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये एरिना ऐसा मल्टीपर्पज जो स्टेडियम बनाएगा ना, मतलब बिल्कुल डिजिटलाइज कर रखा है इसे ठीक है, मतलब ये इंडोर आउटडोर में कन्वर्ट हो सकता है ठीक, कुछ इस तरीके का बना रखा है। अभी बहुत सारे जो मैचेस होने वाले हैं वो यहाँ पे होंगे अहमदाबाद में ठीक है, और बहुत फेमस है एरिना, बहुत फेमस है ठीक है, वर्ल्ड रिनोन होने वाला है, इतना इतना इसका जो है ठीक है काम चल रहा है इस पे। जॉर्डन स्पिथ जो है कौन से खेल से एसोसिएट है, जल्दी से बताइए ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जॉर्डन स्पिथ जो है किससे एसोसिएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बेटा जल्दी से बताना सारे के सारे, मेरे हिसाब से आप समय रहते बताओगे आंसर तो मैं और आगे पढ़ा सकूंगा, जल्दी स्पीड में आंसर दोगे। गोल्फ इसका आंसर है, जॉर्डन स्पिथ गोल से संबंधित है, एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो यार एक चीज याद रखना, जैसे अगर मैं कप के क्वेश्चन पूछूं, इधर ही मैं आपसे पूछूं कि भाई जो रोवर कप है किससे संबंधित है ठीक है, संतोष कप किससे संबंधित है ठीक है, ये सब आपको जो पूछे जाते हैं ना ये आपको पता होना चाहिए, जैसे फुटबॉल से संबंधित एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कप वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं स्पोर्ट्स के, कप्स के क्वेश्चन ठीक है, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर थिक फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन ठीक है, ऑफ साउथ अमेरिका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है पैम्पर्स, इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, चलो आंसर है इस क्वेश्चन का, पैंपर्स इसका आंसर है ठीक है। ओरिया थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए ठीक है, नया क्वेश्चन ठीक है, नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ओरिया थर्मल पावर स्टेशन कहां पे लोकेटेड है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो बेटा अगर मैं बात करूं ओरिया कहां पे लोकेटेड है, नाम याद रखो, नए क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में है ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना ठीक है। अभी मैं करंट अफेयर कराऊंगा, मैं आखिर में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रखूंगा, जो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर होंगे, हर दिन नए क्वेश्चन होंगे ना करंट अफेयर के, तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर यहीं पे अपडेट कर लोगे, एक ही क्लास में आपका कवरेज हो जाएगा करंट अफेयर का, भूलना मत, क्लास अभी कंटिन्यूटी रखोगे तो लास्ट में आप करंट अफेयर पढ़ पाओगे। पंथी डांस जो है कौन सी स्टेट का डांस है, बताइए पंथी डांस ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, पंथी डांस कौन सी स्टेट का डांस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए सारे के सारे बताओ। चलो बेटा आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ का है ठीक है, आंसर क्या है छत्तीसगढ़ का है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो गया ठीक है। जैसे मैं आपको जम्मू कश्मीर का पूछा था कल, जो मैंने पूछा था रोफ डांस कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है ठीक है ना, रोट नाच कहाँ का है ठीक है, ये भी मैंने आपसे पूछा होगा ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, केनिया की कैपिटल क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, केनिया की कैपिटल हम सभी जानते हैं कि भाई नैरोबी में, नैरोबिया में जो है बहुत प्रकार के जो है इन क्या बोलते हैं समिट्स हो रखे हैं, एनवायरमेंट समिट्स हो रखे हैं नैरोबी में, सीओपी बहुत सारे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत सारे होंगे, तो ये तो फेमस हो गया ना नैरोबी ठीक है ना, तो भाई केनिया की कैपिटल है नैरोबी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ठीक है। नैरोबी इसका आंसर, बड़ा आसान क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, एकलव्य अवार्ड जो है
अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो तब मिलता है। अब सवाल ये पूछ, जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि भाई तानसेन सम्मान कौन सी स्टेट देती है, तानसेन सम्मान जो है, ठीक है, तानसेन अवार्ड बोल लो, जो सम्मान बोल लो, कौन सी स्टेट देती है, हम आंसर देते हैं मध्य प्रदेश। ऐसे और भी बहुत सारे सम्मान है जो स्टेट वाइज मिलते हैं। ऐसे पूछा जा रहा है एकलव्य अवार्ड जो है कौन सी स्टेट देती है, कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन बताइए, रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है, रिलेट करके दोगे तो आंसर हो जाएगा, रिलेट करके दोगे तो आपको याद भी रहेगा। मैं बताऊं कैसे रिलेट होगा, ठीक है, आंसर है कर्नाटका, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कर्नाटका इसका आंसर। एकलव्य अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, कर्नाटका सरकार के द्वारा दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे तानसेन सम्मान का मध्य प्रदेश है ना, ठीक है, वैसे ही एकलव्य अवार्ड जो है, ठीक है, कर्नाटका देती है। बेटा आज जो 8:15 की क्लास है, मतलब मैं आपको आज बता दूं 8:15 पे रिवर और सिटी का टॉपिक होगा, आज छोटा सा टॉपिक है 30 मिनट का, आपको पता ही इतना बेनिफिशियल है ना, मतलब आज रिवर और सिटी कर लोगे ना तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, आते ही आते रिवर सिटीज के क्वेश्चन। आजाद हिंद फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी जो है ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए अब ये एक्सप्लोरेशन ऑफ सी की बात कर रहा है, ठीक है, आंसर क्या, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, कैंपगन डेनमार्क में है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डेनमार्क में बहुत सारी चीजें अभी नई होने वाली है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, डेनमार्क से संबंधित करंट अफेयर मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आज डेनमार्क से संबंधित आपका एक आने वाला है, ठीक है, वो देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन आंसर, अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है, ब्रूसल बेल्जियम में किसके हेडक्वार्टर है, नाटो के है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सवाल यह भी पूछा जाता है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, कॉकपिट, ठीक है बेटा, कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है, मतलब यूरोप कहां से चलता है, सेम एक तरीके से कह सकते हैं यूरोपियन बैंक है यहाँ पे, ठीक है, ब्रूसल बेल्जियम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है यार। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सोल्व करो बेटा, अभी 1 घंटे की क्लास है ना, तसल्ली सोल्व करो, आपको ये एक ऐसी मेजर क्लास मिलती है वाईफाई स्टडी पे जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक साबित हो सकता है कि यार यहां से सारे क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। मैं बताऊं सीरिया, सीरिया बर्बाद हो गया है आपको भी पता है, ठीक है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि इसका कैपिटल क्या है, एक तो इधर डेमेस्कस लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर लिखा सीरियन पाउंड, आंसर क्या होगा, ठीक है। सीरिया किसी समय में बहुत अच्छा देश होता था, ठीक, किसी समय में, अब खैर यहां पे आईएसएस का कब्जा है तो अब पूरा बर्बाद हो चुका है, डेमेस्कस और सीरियन पाउंड, ठीक है, सीरियन पाउंड और डेमेस्कस इसका आंसर, डेमेस्कस कैपिटल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ना खेलने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं डोंग कहां की कैपिटल करेंसी है, तो ये वियतनाम की करेंसी है, वियतनाम की करेंसी है डोंग, है ना, ये देखो कैसे इधर सीरियन रियाल लिखा हुआ, ठीक, पाल बनाने के लिए, है ना, तो यहीं पर गलती होती है बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। ICRA लिमिटेड इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये कौन से शहर में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है ना, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कौन से शहर में, बताइए। बताइए ये कौन से शहर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बेटा पार्टिसिपेट करना सारे के सारे। अच्छा मैं कल आपको दोपहर को 2 बजे एक ना क्वेश्चनों का संग्रह कराऊंगा, वो संग्रह ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके का, वो संग्रह इस चीज का है कि आपको जो मुझे लगता है ना ये पेपर में अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, उसका एक संग्रह कराऊंगा, जरूर देखिएगा कितने बजे, दोपहर को 2 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे ही होगा ये, ठीक है, स्पेशल क्लास रखी है दोपहर 2 बजे। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गुड़गांव इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताए फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया वाज, ठीक है, भारत की जो सबसे पहली ट्रेड यूनियन थी वो कौन सी थी, कमेंट करिएगा आंसर क्या, बताइए इस क्वेश्चन आंसर, पार्टिसिपेट करो, अभी करंट अफेयर भी होंगे, ठीक है, अभी करंट अफेयर भी करेंगे, पहले ये बताऊं पहली ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक, किसी समय में ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा बनाई गई थी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, जब पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित भी है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर बताइए, ठीक है, हाँ जी, ल्यूसियाना स्विट्जरलैंड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, बताइए,
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर क्या है। बताइए किसके हेडक्वार्टर है लुसियाना स्विट्जरलैंड में, जल्दी से कमेंट करो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं लुसियाना स्विट्जरलैंड जो है सभी के है। मैंने ये क्वेश्चन किस लिए रखा, क्योंकि ना इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि यार लुसियाना स्विट्जरलैंड में हॉकी, ठीक है, गोल्फ और बॉक्सिंग, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ठीक है, आप क्या याद रख लो, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, हॉक याद रख लो, ठीक है, क्या याद रख लो, हॉक याद रख लो, सिंपल सा, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, यह हॉक जो है, बॉक्सिंग जो है, हॉक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉकी बॉक्सिंग और, ठीक है, हॉकी बॉक्सिंग और गोल्फ, इन तीनों के हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, कहां पे, लुसियाना स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। देखो हमारा काम क्या है, जब हम एक क्वेश्चन वाली क्लास में आ रहे हैं तो हमें पहला तो ये सोचना चाहिए हर क्वेश्चन नया मिले इन्फॉर्मेशन हमारी बढ़े, नहीं तो रिवाइज तो हो जाता। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो एग्जाम लेवल मिले, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है भाई, जितने पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कभी भी आ सकता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कभी पूछा आ सकता है, ओलंपिक डे कल जो गया ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ये सब सवाल याद रखिएगा बेटा। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता, क्या 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया था, आंसर क्या इसका, ये चलिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्दस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर, ऑब्वियसली यार, ठीक है, जश्न है एंड आंसर है नेपच्यून, इसका आंसर है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, पार्टिसिपेट करो, अभी करंट अफेयर कराऊंगा, करंट अफेयर जब होंगे तो आपको पता भी चल जाएगा यार अब करंट अफेयर हो रहे हैं, और करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना, क्योंकि ये क्लास डेली होती है, इसी में करंट अफेयर डेली हो जाएंगे तो फिर और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना, करंट अफेयर के लिए। फिर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक भी करा दूंगा, टॉपिक वाइज भी क्लास हो जाएगी आपकी, है ना, सब कुछ हो जाएगा। 7 बजे आओ और 7 बजे में आते ही आपका सब कुछ कवरेज है, ठीक है। तीरथगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, आंसर है छत्तीसगढ़, इसका आंसर है तीरथगढ़ फोर्ट कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, अच्छा क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। हरिका बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हरिका बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा, हरिका बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, चलो बेटा आंसर क्या, हरिका बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, पंजाब में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है, पंजाब में हरिका बर्ड सेंचुरी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। चलिए सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट, ठीक है बेटा, आपको ये कहेंगे सर गजब ही सवाल पूछ ले रहे हो, ठीक है भाई, ये गजब नहीं है, ये बिल्कुल काम का सवाल है, ठीक है, जैसा जो हमारे भारत में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इन सब से संबंधित ही चल रही हैं, ठीक है, तो अब ये सफाई अभियान जितने भी चल रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट जो है कहाँ पे लोकेट है, ठीक, यूनिक चीज अगर हम पढ़ेंगे ना, वो पेपर में हमें यूनिक नहीं लगेगा, पेपर में लगेगा यार हम पढ़ चुके हैं 7 बजे की क्लास में, हमारे लिए क्वेश्चन आसान है, दिल्ली इसका आंसर है, ठीक है, दिल्ली इसका आंसर है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ, ठीक है, आपको पढ़ने से मैटर होना चाहिए। देखिए भारत में जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनको जो है एग्जीक्यूट किया गया था उनका नाम था खुदीराम बोस। सवाल ये पूछा सकता है खुदीराम बोस को एग्जीक्यूट कौन से दिन, कौन से तारीख, कौन से महीने में किया गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, दिल्ली में बना हुआ टॉयलेट म्यूजियम, ठीक है, भूलना मत। ठीक है बेटा, टॉयलेट म्यूजियम कहां बना, दिल्ली में बना, इस क्वेश्चन का आंसर 11 अगस्त 1908, ठीक है, तो मतलब सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनको एग्जीक्यूट किया गया था तो खुदीराम बोस जी को ही किया गया था, तो 11 अगस्त 1908 में इनको एग्जीक्यूट किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकते, सब गलत हो रहा है। देखो 7 बजे मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूं, आपको 80% आंसर नहीं आते होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है कि आपको आते नहीं, आप सीख ले रहे हो, ये क्लास इसी लिए है, 5:30 बजे वाला SSC गुरु का सेशन और 7 बजे वाला ये, और अभी 8:15 पे जो मैं टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक तो और वर्थ वॉचिंग होगा, वो टॉपिक तो सभी को देखना अगर आपको इस क्लास को फुल फ्लेज कवर करना है, ठीक है, बताइए, फिर ये मत बोलना कि सर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया कुछ भी, सब पढ़ाया फ्री में, ठीक है। मोस्ट पोरस रॉक अगर मैं बात करूं, कौन सी पोरस, मतलब जिसमें एब्जॉर्प्शन हो सके, और जो पोरस रॉक होगी ना वो सेडिमेंट्री होगी, बताइए कौन सी सेडिमेंट्री रॉक होगी इसमें से,
है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी सेडिमेंट्री होगी इसमें से। आसान है क्वेश्चन, अब सेडिमेंट्री पूछ रहा है सैंडस्टोन, इसमें से जो है ना सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है और ये पोरस भी है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसमें ना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है चलिए देखो, मैं इंतजार कर रहा हूँ करंट अफेयर आए, हम तबाह करते हैं, हम करंट अफेयर की शुरुआत कर देंगे आज से। ठीक है अगर आपकी कंटिन्यूटी रहती है ना, मैं एक सेक्शन बना दूंगा सीधा साइंस का, ठीक है इसी क्लास में। ठीक है तो लिहिल एयरपोर्ट अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट में, मणिपुर में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक चलो एक और क्वेश्चन देखो बताओ। गुजरात इज नोटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, गुजरात में किस चीज का। देखो मैं आपको बताऊं ना, गुजरात में जो रेगुर सोयल है ठीक है बहुत ज्यादा है, रेगुर मतलब ब्लैक सोयल जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है जिस वजह से जो है क्या उगाया जाएगा बताइए, आप बताइए रेगुर और ब्लैक सोयल ज्यादा है तो क्या उगाएंगे बताओ आप। बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है कॉटन। ऑब्वियसली यार रेगुर सोयल है, ब्लैक सोयल है तो कॉटन उगाएंगे, है ना, बड़ी कॉमन सी बात होगी। एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है मॉयलिंग नेशनल पार्क जो है ठीक है ये कहाँ पे। बेटा कल दोपहर को 2 बजे स्पेशल क्लास जरूर लेना, ठीक है संग्रह होगा अच्छे क्वेश्चंस का सभी। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अगर मैं मॉयलिंग नेशनल पार्क की बात करूं तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मॉयलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। अधिकार अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई जम्मू कश्मीर में कौन से नेशनल पार्क है, सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, और बहुत सारे नाम है, हमें नामों की कमी नहीं है, सीखने की कमी नहीं है, हम जितना देर इज लोट मोर टू लर्न है मेरी क्लास का मोटो एक तरीके से, कि भाई सीखना है बहुत कुछ, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे भारत में 3 सत्र होते हैं पार्लियामेंट के, 3 सत्र होते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता बताइए, 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ना, 2 सत्रों के बीच में कितना टाइम गैप हो सकता है, याद रखिए 6 महीने का हो सकता है। ठीक है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे मैक्सिमम जो है 2 होनी चाहिए मीटिंग्स, ठीक है 2 मीटिंग होनी चाहिए साल में, संविधान में लिखा हो। ये बेटा मेरा एसएससी गुरु पे जो मैं आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों एक साथ, 5:30 बजे की क्लास है, अगर नहीं देखी तो देख लेना, 30 मिनट लगेंगे और ऐसा कुछ सीखोगे जो आपने कहीं सीखा नहीं है। एसएससी गुरु की क्लास है 5:30 बजे होती है, लाइव होती है क्लास यूट्यूब पे। मजिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा मजिया थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चल नहीं आता, चले देखते हैं आंसर है वेस्ट बंगाल इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया था, आसान क्वेश्चन। अब भाई 22 जो है वर्ल्ड वाटर डे है, ऐसे 22 अप्रैल को क्या मनाया था है? वो भी हमने बायोडाइवर्सिटी ये सब चीजें पढ़ रखी है। ठीक है जो बेसिक डे डेट्स है ना वो हमें आते हैं, हमें याद करना है कि फोटोग्राफी डे कब होता है, म्यूजिक डे कब होता है, ये क्वेश्चन में मुश्किल चीजें जो होंगी ना वो यही होंगी। ठीक है ये तो आसान है, वर्ल्ड वाटर डे सभी को आता है, ब्लैक सोयल आसान है, अभी मैंने आपको बताया ब्लैक सोयल रेगुर सोयल जो है उसमें क्या उगाते हैं, अभी गुजरात वाला क्वेश्चन हुआ ना कि भाई गुजरात में सबसे ज्यादा क्या उगता है, ठीक है आंसर है कॉटन इसका आंसर। बेटा आज 8:15 की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन आता है रिवर और सिटी का, आपके सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेनिफिट होगा 8:15 की क्लास का। आज बहुत ज्यादा टॉपिक आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो आंसर इस क्वेश्चन का कॉटन। ठीक है पटेकडाल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है कौन सी स्टेट में, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है अब ये मॉन्यूमेंट्स कहां पे है, ठीक है कर्नाटका में, कहां पे कर्नाटका में, कर्नाटका का जो स्टेट कैप जो एनिमल है वो है ब्लैक बक, क्वेश्चन कराया था कल मैंने आपको। ठीक है और कर्नाटका का ही अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था है ना, जो अभी अभी लेटेस्ट में भी कौन सा क्वेश्चन कराया था, पीक का क्वेश्चन कराया था। ठीक है देखिए जो हमारे शरीर में, आप कोई बोलेगा सर हमारे शरीर में अंगों का नया डेवलपमेंट हो कैसे सकता है, भाई होता है। ठीक है अभी बहुत लेटेस्ट में भी एक नया अंग खोजा गया है शरीर में जो नया डेवलप हुआ है,
नए अंगों के विकास को हम क्या कहते हैं? बताइए, नए डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन इन द टर्म, ठीक है, हमारे जो शरीर में नए अंगों का विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? नए अंगों के विकास को हम क्या कहते हैं? आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं नए अंगों के विकास को, जो शरीर में नए अंगों का विकास होता है, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मॉर्फोजेनेसिस है। एक और क्वेश्चन देखिए, ओ भाई कितना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर है, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का कुछ नहीं। हमें, मुझे इस क्वेश्चन किसी को भी नहीं, मतलब आप इसके ऑर्डर को देखो, सिर्फ ये कह रहा है सन से कौन कितनी दूरी पे है। हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर आपको सुना होगा आपने, तो आपको बस ऑर्डर में चेक करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, आधे से ज्यादा बच्चे तो छोड़ देते। देखो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पूरी दुनिया में ना इकोलॉजी बनाए रखने के लिए, मतलब दुनिया बची रहे इसके लिए जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट मिनिमम कितने होने चाहिए, मतलब पूरे अर्थ में कितना मिनिमम परसेंट फॉरेस्ट का होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना आपको पास होने के लिए पेपर में चाहिए, 33%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 33% ही पास होने के लिए चाहिए, और जीवन में भी पास होने के लिए इतना चाहिए कि भाई फॉरेस्ट ना काटो तो सही रहेगा, 33% इन अराउंड होने चाहिए, ठीक, इकोलॉजी तभी बने रहेगी। बेटा 8:15 का आज का टॉपिक है, जितनी भी रिवर है कौन सी नदी के किनारे सटी हुई है, वो क्वेश्चन आता है CHSL में, भर भर के क्वेश्चन आए, CBT जो NTPC जो हुआ था उसमें भर भर के क्वेश्चन आए थे, तो मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 8:15 का। मैं 8:15 पे जो क्लास कराऊंगा ना उसका लिंक ऊपर दे रखा है। अभी तो वैसे भी मैं करंट अफेयर कराऊंगा यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यूटी बनानी चाहिए। वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया था किस दिन? आंसर क्या बेटा? 8 जून को। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब वही, जैसे अगर मैं कहूं विंध्या, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विंध्या थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, या फिर मैं आपसे कहूं सतपुरा कहाँ पे है, तो यानी कि ये दोनों तो आपको वैसे ही पता होगा कि ये दोनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये दोनों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन, दमसाल डैम लोकेटेड है कौन सी स्टेट में? बताइएगा दमसाल डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड, जल्दी से बताइए। स्टैटिक जी के ऐसा टॉपिक है नया, जितना पढ़ोगे उतना कम है, और पेपर में आता होता है। देखो पेपर में मेरे हिसाब से 60% स्टैटिक जी के होते हैं, 60% और 20% करंट अफेयर होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें है। स्टैटिक जी के में बहुत कुछ आएगा, तो ये तो मैं इसी क्लास में करा दे रहा हूँ ना, करंट अफेयर भी करा दे रहा हूँ। तो आंसर क्या, दमसाल जो है डैम कहाँ पे? पंजाब में। ऑन विच रिवर द बैंक उज्जैन सिचुएटेड? बताइए कौन सी नदी के किनारे उज्जैन शहर है? आज सारा टॉपिक इसी का ही है। 8:15 पे हम ऐसे सवाल करेंगे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये जो हम आज 8:15 पे आज कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, क्षत्रिय एक क्लासिकल डांस है? बड़ा आसान क्वेश्चन, क्षत्रिय एक क्लासिकल डांस है, बहुत फेमस डांस है, ठीक, कौन सी स्टेट का डांस है, बहुत फेमस डांस, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा, क्षत्रिय जो बहुत फेमस डांस है कौन सी स्टेट का डांस है? तो आसान क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन का, असम का, ठीक है, असम का है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए ये 10 PM की क्लास होगी, बताइए हु इज द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन? रिलीजन ऑफ मैन के ऑथर कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रिलीजन ऑफ मैन के ऑथर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, आंसर क्या? रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है, ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको पूछा भी था, ठीक है, बताइए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसके हेडक्वार्टर कहां पे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, यूरोपियन बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे? यूरोपियन बैंक जो है यूरोपियन यूनियन का बैंक है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, ये इसके हेडक्वार्टर कहां पे? यूरोपियन यूनियन का एग्जैक्टली ये बैंक है, और ये कहां पे हेडक्वार्टर, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन, यहां पे आप इतना सवाल कर रहे हो ना, कहीं और हो नहीं सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो 7 बजे सवाल हो सकता है ना वाईफाई स्टडी पे,
उतना नया सवाल और उतना नंबर ऑफ सवाल जो है कहीं और हो नहीं सकता, इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ। ठीक है, यूरोपियन बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? लंदन में लोकेटेड है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करना। ठीक है, बताइए। अच्छा आसान क्वेश्चन देखो, समझो क्वेश्चन को। कह रहा भाई हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है कहां पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में भी कौन सी नदी पर जो है हीराकुंड प्रोजेक्ट है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी कौन सी नदी पे है? तो आंसर है महानदी में। कौन सी नदी पे? महानदी पे। खैर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपको मिल सकता है पेपर में कहीं ना कहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कनाडा की कैपिटल और करेंसी बताइए। कनाडा इतना बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका का और इतना फेमस है, कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर, है ना, करेंसी है डॉलर। और इवन आपसे पूछा जाए कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो याद रखिएगा 49th पैरेलल। क्या 49th पैरेलल इसका आंसर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 49th पैरेलल इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। कौन थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु? जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, देखो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनारस सेशन 1906 में जो बनारस सेशन हुआ था ना, बनारस सेशन के हेड थे, आईएनएस का, आईएनसी का बनारस सेशन जो हुआ था ना उसके हेड थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले एक स्पष्ट वक्ता कहा जाता है, इन्हें एलोकेंट स्पीकर कहा जाता है, इसलिए इन पे क्वेश्चन ना आते ही आते हैं। ठीक है, बताइए अगाती एयरपोर्ट लोकेटेड है कहां पे? जल्दी से बताइए, वेयर इज अगाती एयरपोर्ट लोकेटेड? ठीक है बेटा, स्टैटिक जीके की आज जो 8-15 का जो टॉपिक है ना वो जरूर देखना, टॉपिक वाइज पढ़ना भी जरूरी होता है। जैसे आप इधर पढ़ लेते हो ना उसके बाद आप उसी चीज को टॉपिक में कंज्यूम करके देखो। आज मैंने सिर्फ एक ही रिवर का और सिटी वाला क्वेश्चन पूछा, अभी मैं 8-15 पे सारे पूछूंगा एक ही टॉपिक के, कितना बढ़िया होगा वो। ठीक है, दिमाग में रखेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगाती जो है लक्षद्वीप में, बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे? बताइए इस क्वेश्चन आंसर का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, आंसर मनीला। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फिलीपींस में मनीला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन, ये कर रखा है क्वेश्चन, बताइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ल्यूनर कोस्टिक जो है, ल्यूनर कोस्टिक जो है इसका फॉर्मूला क्या है? कमेंट करिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ल्यूनर कोस्टिक? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ल्यूनर कोस्टिक का फॉर्मूला क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए बताइए आंसर क्या है, ल्यूनर कोस्टिक का फॉर्मूला क्या है? आंसर इस क्वेश्चन का सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो बताओ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया था? कईयों को नहीं पता। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है, ठीक है बेटा, क्लास 7 बजे अगर आप आ रहे हो ना, डेली आओ, डेली की क्लास है, बस सीधा वाईफाई स्टडी सर्च करोगे ना 7 बजे यूट्यूब पे, तब भी आपको यही क्लास मिलेगी, उसके अलावा वाईफाई स्टडी पे 7 बजे और कोई क्लास होती नहीं। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का 31 अक्टूबर इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहां पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा, त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर, त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है बेटा? तमिलनाडु में लोकेट है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 बजे पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, बताइएगा। देखो डिब्रूगढ़ कहां पे? आसाम में। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि डिब्रूगढ़ में हमारे इंडिया की बहुत सारे जो ऑयल रिफाइनरीज कंटेंट है वो है। ठीक है, तो ये आसाम में है ना, आसाम में है, तो कौन सी नदी के किनारे होगा? यही सब सवाल मैं आज आपको स्टैटिक जीके के जो टॉपिक वाइज क्लास 8-15 पे होने वाली है कराऊंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक साथ ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही स्टैटिक जीके क्वेश्चन डाल रखे हैं, करंट अफेयर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, है ना, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं यार इस क्लास में, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, तसल्ली से क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ। वेस्टर्न घाट में पश्चिमी घाट में कौन सा वनस्पति संबंधित है? जल्दी से बताइए। ठीक है, वनस्पति कौन सा है वेस्टर्न घाट में, बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का? चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर ट्रॉपिकल।
चलिए अभी ना करंट अफेयर करते हैं, ठीक, करंट अफेयर करते हैं, लेट्स सी करंट अफेयर कहाँ पे छूटे ना करंट अफेयर, ये तो मैं आपको कल भी ऐड करवा दूंगा, ठीक है, लेट्स सी करंट अफेयर कहाँ पे है, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन डाल दिए मैंने आज है, करंट अफेयर भी जरूरी है यार, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे करंट अफेयर, करंट अफेयर कनेक्टेड ही नहीं है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पीडीएफ कनेक्टेड नहीं है, दूसरी पीडीएफ लगी होगी, अच्छा इंडिया का पहला फर्स्ट लिचिन पार्क जो है कौन सी स्टेट में लोकेट है, कोई नहीं कल हो जाएंगे क्वेश्चन, थे कल हो जाएंगे, पीडीएफ शायद मुझसे गलत लगी है, तभी मैं सोचू मैंने करंट अफेयर डलवाए थे और मैंने कौन सी पीडीएफ लगा दिया, ठीक है बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है अभी तक तो आ जाने चाहिए थे, इंडिया कल हो जाएगा, कल भी 7 बजे क्लास है ही है आपकी, कल हो जाएगा, कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है कल से स्टार्ट कर देंगे, गेम हो गया आज तो, आज कोई दिक्कत नहीं, 8:15 वाले में कर लेंगे और चीजें, इंडिया का फर्स्ट जो है, ठीक है लीचिन पार्क कहाँ पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है गेम हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट लीचिन पार्क कहाँ पे, आंसर है उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शेयर करना सारे के सारे, क्लास पूरी देखो क्योंकि हमें पूरा कवर करना है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है कल करा दूंगा यार, ठीक कल करा दूंगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन, सितंबर, ऊपर जो लिंक दिया हुआ है ना, ये टॉपिक वाइज जीके की आज क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 8:15 पे, ठीक है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, 8 सितंबर, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक कर्म योद्धा ग्रंथ जो है, ठीक है बताइए किसकी लाइफ को डिपिक्ट करता है, बताइए कौन से पॉलिटिकल लीडर है जिसकी लाइफ को डिपिक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक कर्म योद्धा ग्रंथ जो है कौन से पॉलिटिकल लीडर है जिसकी लाइफ को डिपिक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पार्टिसिपेट करो, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, हाँ मेरी गलती है, मैंने आज पीडीएफ गलत वाली लगा दी थी, जिसमें करंट अफेयर नहीं थे वो अलग थी गलती से, ठीक है नरेंद्र मोदी के ऊपर है, ठीक चलिए एक और क्वेश्चन, कल कल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है याद रखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज देयर एन ओवरलैपिंग ऑफ प्लांटेशन एंड टी एंड कॉफी, बताइए हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है, ठीक है हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर ना कॉफी और चाय दोनों का प्रोडक्शन एक साथ होता है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है कॉफी और चाय दोनों का प्रोडक्शन एक साथ होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का, साउथ वेस्ट लोकेशन पे होता है, ठीक है साउथ वेस्ट लोकेशन पे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है कहां पे साउथ वेस्ट लोकेशन पे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री में, जल्दी से बताइए बैंक कौन सी कंट्री में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कौन सी कंट्री में ये बैंक है, अच्छा अगर आप 7 बजे आओगे ना तभी फायदा है, रेगुलर टाइमिंग पे आओ, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पे आओ तब फायदा है, ठीक है अभी पीडीएफ गलती से दूसरी लगी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल लग जाएगी, ठीक है करंट अफेयर के साथ वाली पीडीएफ, ठीक है लेकिन क्लास 7 बजे डेली देखो, मॉस्को रशिया, ठीक है मॉस्को रशिया, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, अब यार वैसे तो हम गोल्ड देख के ना हॉकी लगाते हैं, अब इधर हॉकी देने रखा तो बात अलग होगी, अब ठीक है वैसे तो अगर हॉकी दिया होता ना गोल्ड लिखा होता तो आंसर लग जाता हमारा अभी तक, इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन, ठीक है ना आसान है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान है, टेबल टेनिस का आंसर, लेकिन अगर गोल्ड लिखा होता और कोई क्वेश्चन होता ना तो हमेशा गोल्ड का आंसर हॉकी होता, आपको भी पता है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर टेबल टेनिस है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सा आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, आज आप सभी को 8:15 पे कंटिन्यूटी बनानी है, वैसे ये तो 7 बजे क्लास डेली होती है आपको पता ही है,
आप बस इतना भी करोगे ना, 7 बजे सीधा वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको ये क्लास मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आए ना आए, क्लास आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, रामेश्वरम इसका आंसर है। ये चेन्नई एक्सप्रेस, कन्वर्जन ऑफ ऑयल इंटू सॉलिड फैट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑयल को सॉलिड फैट में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑयल को सॉलिड फैट में जो हम कन्वर्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजिनेशन। ये वही है कंसेप्ट जो हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी वाले चैप्टर में है। ठीक है दिमाग, कार्बोनेट्स कंपाउंड की रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, निकल इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है, क्वेश्चन करा होगा आपने सभी ने। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स वाला क्वेश्चन है ये, है ना, तो आता है ये क्वेश्चन सभी को शायद। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, कोई नहीं आज स्टैटिक जी के हो जाएगा, कल से करंट अफेयर उठा देंगे। ठीक है, कल वाली जो आज मैंने पीडीएफ एक और बनाई थी करंट अफेयर की, कल यूटिलाइज करके मैं आपको करंट अफेयर से स्टार्ट करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का स्किप नहीं होगा, कल 7 बजे से आपको मिल जाएगा। कल स्टार्टिंग में एक करंट अफेयर से स्टार्ट करा दूंगा। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा बताइए, पूरे वर्ल्ड का ही है, इंडिया का पूछे या वर्ल्ड का पूछे, आंसर जरूरी है। ठीक है, इधर इवन इंडिया की जगह वर्ल्ड लिखा होता ना तब भी आंसर यही होता। ठीक है, मजूली ही आंसर होता, असम जो है बेटा याद रखिएगा, असम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ऊपर लिंक दे रखा है 8:15 की क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है, अभी होगी क्लास। ठीक है, फिक्स क्लास है यार। देखो ये सब कुछ आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको 5:30 बजे 7 बजे और 8:15 पे जो पढ़ाता हूं ना, ये 3 क्लास अगर आप देखते हो ना, आपको बहुत बेनिफिट, सिंपल सी बात। ठीक है, मैं सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आज ही करंट अफेयर लगाया था यार, पीडीएफ गलती से नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा सब कुछ। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च कर लेना समय निकाल के। खादर सोयल आपने सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है, पहला खादर दूसरा भंगर, है ना। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई खादर और भांगर अगर मैं बात करूं तो कहां पे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी जहां पे होती है वहीं पे होता है, बाढ़ वाले इलाके में जहां पे बाढ़ आती है, जहां पे नदियां हैं, नदियां के साइड में, नदी जितने भी उसके साइड में, नदी किनारे। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, संजू बाबा मिलता हूं तुम्हें, अभी मैं 8:15 पे बताता हूं कैसे खत्म करते हैं। ठीक है, कलहारी डेजर्ट कौन से देश में, जल्दी से बताया बेटा, कंटेंट पूरा होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, उसके बिना बात नहीं बनती है, 120 क्वेश्चन करने हैं, नए क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कल मैं इसे पीडीएफ में लगाऊंगा ही नहीं। चलिए आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका इसका आंसर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए। ठीक है, म्यांमार को देखो, म्यांमार ना भारत से पहले अलग हो गया था देश, हमारा देश आजाद नहीं होता, इससे पहले ही आजाद हो गया था। अभी कब आजाद हो गया था याद रखिएगा, ये कब आजाद हो गया था, 1935। ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1935 में हमारे देश आजाद होने से पहले म्यांमार ब्रिटिशर से आजाद हो गया था, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बीच, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इंडिया का सबसे लंबा, पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आ जाएगी। जितनी देर में आप 7 बजे वाली क्लास रेगुलर होती है तो पीडीएफ तो 100% मिलती है, जितनी देर में आप ऊपर जो लिंक दे रखा ना टॉपिक वाइज क्लास देखोगे ना, 30 मिनट की क्लास होगी, रिवर और सिटीज के सारे क्वेश्चन 30 मिनट में खत्म कर देंगे, उतनी देर में पीडीएफ आपको इस क्लास की मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, उतनी देर में मिल जाएगी आंसर इस क्वेश्चन का। लॉन्गेस्ट बीच अगर आपसे पूछा है तो मरीना बीच है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बताइए, भारत का जो यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस देश से लिया गया है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। ठीक है बेटा, आंसर क्या है, भारत का यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहां से लिया गया, आंसर इस क्वेश्चन का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है दोपहर को 2 बजे जरूर पढ़ना, कल की क्लास होगी जरूरी। ठीक है, इधर ना बच्चे इधर क्या लगाते हैं, कैनेडियन लगाते हैं, कैनेडियन नहीं है इसका आंसर। कैनेडा से सिर्फ हमने ये लिया है कि भाई सेंटर स्ट्रोंग होना चाहिए। ठीक है, फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट जो है ना कैनेडा वाला है, बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है, ऑस्ट्रेलिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी से एक रीजनल पावर बनाया। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराया, बंगाल को जीता, रॉबर्ट क्लीव ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक
ट्रेड कंपनी से एक रीजनल पावर बनाया बंगाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है। रॉबर्ट क्लीव ने बंगाल को हरा के ऐसा किया, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या आप टाइम नहीं देखते क्या? बेटा टाइम देख के क्या करना है, अभी भी आपने पढ़ना ही है, आधे घंटे बाद भी आपने पढ़ना ही है, तो पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। पढ़ने में पढ़ने का ही फायदा, बच्चों को पढ़ने का ही फायदा सिर्फ, और किसी का फायदा नहीं है, मौज है बस। फिर ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक है। सार्क जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, आंसर इस क्वेश्चन काठमांडू नेपाल। अभी मैं क्वेश्चन कह रहा था काठमांडू नेपाल में, इसलिए कह रहा था सार्क के हेडक्वार्टर है, इसलिए क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। बताइए मिलाऊ ब्रिज जो है, ठीक है, मिलाऊ ब्रिज इज अ केबल स्टेट ब्रिज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से देश में। आपको कह सर ये नाम नहीं सुना आज तक, ऑब्वियसली नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनो बताओ। मिलाऊ ब्रिज जो है केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक, केबल पे टिका हुआ है, ठीक, कौन से देश में है, नाम नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रांस में, ठीक, कहां पे, फ्रांस में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सेशन को लाइक कर देना। अब जब क्लास एंड हो रही है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आप सारे, मतलब मैं आपको एक चीज कहूंगा, सिर्फ आज आप रिवर और सिटीज की क्लास देख लो, टॉपिक वाइज 30 मिनट दे दो मुझे अपने, कितने बजे 8:15 पे क्लास होगी, ऊपर लिंक दे रखा है, ओपन करके रेफर कोड यूज करना लाइव होगा, आज कनेक्ट कर जाओ, 9 बजे से पहले फ्री कर दूंगा आपको, और आपको 100% बेनिफिट होगा, इस चीज की अश्योरिटी देता हूं। हाँ जी, एग्रीकल्चर देखते ही मैं रोम आंसर लगाता हूं, उसके अलावा कुछ सोचना पड़ता नहीं है, ठीक है। तो बेटा सारे क्वेश्चन हुए हमारे, ठीक है, 7 बजे अगर पढ़ रहे हो ना तो रेगुलर पढ़ो, इस क्लास का फायदा इतना ज्यादा है ना जितना किसी और क्लास का है नहीं, क्योंकि यहां पे इतने क्वेश्चन मिलते हैं जहां कहीं और मिल नहीं सकते, और हर क्वेश्चन नया है। डेली 7 बजे वाईफाई स्टडी सर्च करना है आपको बस, ठीक है। ऊपर जो लिंक दे रखा है ना उसे ओपन करो, उस लिंक को ओपन करने के लिए एक रेफर कोड यूज करो, लाइव अमन 8:15 पे एग्जैक्टली क्लास होगी, इस क्लास को करना, 8:15 की क्लास को, क्लास नहीं है टॉपिक है, 30 मिनट का, खत्म करके कर लेंगे पूरा, ठीक है। सारे के सारे पूछो A to Z बच्चा, अभी 8:15 पे क्लास होगी, ठीक है, सारे के सारे ओपन करो। मेरे अनअकैडमी कोर्सेज लाइव है बेटा, देखो आपको कोर्स 23 तारीख से लाइव हो गया, अब आपके लिए मतलब नए बैचेस स्टार्ट है, अभी इनकी फीस इतनी है 260 पर मंथ के अराउंड, और सब कुछ पढ़ा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट होगा, सारे टीचर पढ़ेंगे, लेकिन अनअकैडमी प्लीज फीस जो है हाइक कर सकता है, तो इससे पहले ज्वाइन कर लो, हाइक करने से पहले, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है, SSC गोल सेलेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन क्लिक करना, मंथ सेलेक्ट करना, और रेफर कोड यूज करना लाइव अमन, ठीक है। इस रेफर कोड पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो, ठीक है। जो भी बच्चा देख रहा है सारी क्लासेस देखो, जितनी भी होती है, 10 PM की भी क्लास होगी, अभी मिलते हैं 10 मिनट में 8:15 के सेशन में, और जरूरी सेशन है, आप सभी को पता है, ऊपर लिंक दे रखा, जल्दी से ओपन करो, सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, ये रेफर कोड यूज कर लो लाइव अमन, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज कर लो, उस लिंक को ओपन करेंगे जो ऊपर दे रखा है, जल्दी से, ठीक है। फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं, और क्लास एंड करने के बाद आपकी क्लास होगी सीधा 10 मिनट में, ठीक है, समय ज्यादा नहीं लूंगा, 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करा दूंगा दूसरी। चलिए बेटा एंड कर रहा हूं मैं, यहां पे क्लास है ना, सारे लिंक ओपन कर लो जल्दी से।